नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी न्यूज। झारखंड के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपनी जी जान फूंक दी है। इसी क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अमित शाह चतरा में एक रैली को संबोधित करते नजर आए, जहां उन्होंने कहा कि आज जब मैं यहां आया हूं तो भगवान बिरसा मुंडा को याद करके उन सैकड़ों आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राण दे दिए। केंद्रीय मंत्री ने अयोध्या पर आए फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि कई सालों से देश की जनता चाहती थी कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बने। जब आप सब चाहते थे तो अब तक मंदिर का रास्ता क्यों प्रशस्त नहीं होता था? क्योंकि कांग्रेस पार्टी कोर्ट में केस न चले इसमें रोड़े अटकाती थी। इनकी लाख कोशिशों के बाद भी केस चला और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया कि वहां आसमान को छूता हुआ भव्य राम मंदिर बने। गृह मंत्री ने आगे कहा कि झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जब भी बनी तो करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार हुए, लेकिन रघुवर दास जी की सरकार में एक रुपए का भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी झामुमो एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन जब झारखंड के युवा अलग झारखंड के लिए लड़ रहे थे, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, अपने प्राणों का बलिदान दे रहे थे, तो ये कांग्रेस क्या कर रही थी? झारखंड की रचना तब हुई जब केंद्र में भाजपा की सरकार बनी और श्रद्धेय अटल जी प्रधानमंत्री बने। अटल जी ने झारखंड को बनाया और नरेंद्र मोदी जी और रघुवर दास जी ने झारखंड को संवारने का काम किया है। बाकी और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडी न्यूज़।